एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी प्रयास ई पाठशाला में। मैं करुणा पांडे आज का इम्पोर्टेंट न्यूज जो है आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। आज मैंने दो न्यूज लेके आए हैं जो अपॉइंटमेंट बेस्ड है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। ये न्यूज लाया है मैंने, देखते हैं क्या है न्यूज में। जो हमारे जाने माने अभिनेता, कॉमेडियन और संगीतकार हैं वीरदास, उनको लीसीएस ने एज अ अनक्रेव का एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये लीसीएस ने, लीसीएस जो कंपनी है उसने ब्रांड एम्बेसडर वीरदास को अपॉइंट किया है। ये जो कैंपेन चलाया जा रहा था उसको हमारे जो टिल्ट ब्रांड सॉल्यूशन है, टिल्ट ब्रांड सॉल्यूशन उसके द्वारा इस कैंपेन को डिजाइन किया गया और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी शामिल थे, फीचर्स के साथ क्लिप्स थे जिसमें वीरदास ने जो मांस खाने के विभिन्न तरीकों को, बहुत सारे वेरियस सिचुएशंस को वहां पे बताया है, वहां पे बोला है उन्होंने। इस क्लिप के द्वारा ये चीजें बताई है और ये जब ये क्लिप यहाँ आया तो उनके द्वारा ये सब चीजें जब बताई गई तो उसमें मट एंड गुलाटी कबाब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया जिसके जरिए प्रोडक्ट की और कंपनी की प्रमोशन की जाएगी, इसलिए ये प्रोडक्ट को नाम दिया गया और ये प्रोडक्ट लाया गया। अभी ये जो कैंपेन चला जा रहा था उसमें जो प्रतियोगी भी जो भाग लिए थे ब्लू ट्राइब में जो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने आयोनिक सिनेमा के साथ मिलकर उन्होंने वेजिटेरियन मील्स और स्नैक्स का भी पूरे भारत में प्रसार किया है, पूरे भारत में उसका पेशकश किया है कि बताया है कि ये भी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और चीजें भी इन्होंने वेजिटेरियन का प्रचार किया है। और यहाँ पे जो है, जो मैंने बताया आपको, वीरदास को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है इस कैंपेन के तहत। ये जो कैंपेन चला जा रहा था उसमें लीसीएस ने इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है अनक्रेव का। ये तो हो गया हमारा पहला अपॉइंटमेंट जो मैंने आपको बताया है। जो सेकेंड अपॉइंटमेंट हुआ है वो हमारे बैंक रिलेटेड है। कैनरा बैंक ने, क्या जो हमारे केंद्र सरकार, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसने के सत्यनारायण राजू को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैनरा बैंक में अपॉइंट किया। ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अगर ये जो के सत्यनारायण राजू जो हैं, उन्होंने एलवी प्रभाकर, जिन्होंने 31 दिसंबर को ये पद को रिजाइन कर दिया था, छोड़ दिया था ये पद को, उनको इन्होंने टेक ओवर किया है, ये चीजें बताई हैं। अभी ये जो सत्यनारायण राजू हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनकी करियर कैसे रही। 1998 में इन्होंने एज अ विजया बैंक में अपना काम शुरू किया, विजया बैंक को ज्वाइन किया इन्होंने और उसके चलते चलते बैंक ऑफ बड़ौदा में महाप्रबंधक के रूप में इन्होंने ये चुने गए और इन्होंने काम किया। उसके बाद 10th of March 2021 को इनको जो कैनरा बैंक है वहां पे एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, जिसमें उनके द्वारा ये चीजें अनुभव देखी गई कि वो बैंक के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी चीजों में अनुभव उनका बहुत अच्छा है और वो बहुत सारी चीजों को जानते हैं। उनके ही अनुभव से जो भी बैंकिंग की सर्विसेज हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में परिवर्तन किया गया, कन्वर्ट किया गया, उनके ही अनुभव से ये सब चीजें बताई गई हैं। तो अभी हमारे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा के सत्यनारायण राजू को एज ए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब रिसेंट में इनको विथ इमीडिएट इफेक्ट पे इनको एज ए एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर देखा जाए तो शुरू 1 जुलाई 1906 में इसकी शुरुआत हुई और इसका जो हेड, और इसकी शुरुआत मैंगलोर में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। तो ये हो गई कैनरा बैंक से रिलेटेड, जो कैनरा बैंक ने अपना एज ए एमडी सीईओ अपॉइंट किया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अगर डेली करंट अफेयर ऐसे ही चाहिए कि उनको उनकी सब चीजें कवर होती रहे, पढ़ाई होती रहे, तो हमारा जो दी प्रयास इंडिया में जो चैनल, टेलीग्राम चैनल है, जो इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको डेली करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा
आपको हमारे साइट पे जो भी आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको सब चीजें वहाँ पे इजिली मिल जाएगी। इवन दो करंट अफेयर डेली हम वहाँ पे अपडेट करते हैं, तो वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।